क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिस्टर जायसवाल कमेंस्ड बिजनेस एज अ क्लोथ मर्चेंट ऑन 1st January 2015 विथ अ कैपिटल. अभी देखो इसने जस्ट कमेंस किया बिजनेस को कब, ऑन 1st January 2015 को. दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि इसने अभी स्टार्ट के भी किया है. विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2000 ऑन द सेम डे ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹600. The books are maintained by single entry. The following particulars. Calculate cash balance on 31st December 2015 closing. Trading and P&L और balance sheet सब कुछ बनाना है. ठीक है? तो simple सा question है. तो देखो. तो देखो यहां पे आपके अकाउंट्स क्या क्या बन जाएंगे, आप लोगों के जो बेसिक अकाउंट्स हैं वो क्या क्या बन जाएंगे. तो देखो सबसे पहले तो बन जाएगा आपके कैश अकाउंट. हमारे कैश अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो इसको मेन वर्क में बना सकते हैं, बाकी आप लोग चाहो तो पहले बना दो सबसे बेस्ट रहता है. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है. इसके बाद में बैलेंस शीट ऑन 31st December 2015 liabilities and assets. फिर कैश अकाउंट. इसके बाद में कैश अकाउंट के बाद में जो जो ट्रांजेक्शन आएंगे उसके हिसाब से हम अकाउंट बनाते जाएंगे. ठीक है? तो चलो फर्स्ट एंट्री ने क्या बोली है, स्टार्ट किया बिजनेस को विथ अ कैपिटल ऑफ ₹2000. 2000 के कैपिटल के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. ठीक है? तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल. तो कैश अकाउंट में जाएगा टू कैपिटल, दूसरा अकाउंट खुल जाएगा हमारे कैपिटल का. कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय कैश. देखो कैपिटल इंट्रोड्यूस किए 11th के अंदर हमने कोई एंट्री की है सबसे ज्यादा तो यही एंट्री की है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की. कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल. कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल. इसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, ऑन द सेम डे ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश. फर्नीचर परचेज करने पे एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश. तो कैश में जाएगा by furniture 600, by furniture 600, और एक अकाउंट खुल जाएगा. आप फर्नीचर अकाउंट नहीं भी ओपन करो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं और यहाँ आ जाएगा कैश परचेज किया है तो कैश 600. ठीक है? इसके बाद में सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1400.
तो देखो टोटल आपको क्या बोला है, सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1400, टोटल सेल्स कितने की है 3400 की, तो 3400 में से 1400 कैश है, तो बाकी के 2000 क्या हुए है क्रेडिट, कैश सेल तो जाएगी कैश अकाउंट के अंदर और क्रेडिट सेल जाएगी डेटर्स अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो एक अकाउंट बन जाएगा आपके डेटर्स अकाउंट, तो देखो सेल्स की है, टोटल सेल्स कितनी देर की आप लोगों को, टोटल सेल्स कितनी देर की है 3400 की, तो सेल्स किसमें चल जाएगी ट्रेडिंग एंड पीएनएल के ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे बाय सेल्स टोटल कितनी है 3400 की, तो ये लिख दी बाय सेल्स 3400, ओके। अब कैश सेल्स जाएगी कैश अकाउंट में, कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, पैसा आ रहा है कैश अकाउंट बीआर टू सेल्स, कितने 1400, और क्रेडिट सेल्स किस में जाएगी डेटर्स में, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है डेटर्स अकाउंट बीआर टू सेल्स, कितनी टोटल सेल्स है 3400, उसमें 1400 क्या है कैश और बाकी के 2000 क्या हो गए क्रेडिट, ओके। उसी तरह से एक और पॉइंट दे रखा है, परचेज इंक्लूडिंग कैश परचेज 800, टोटल है 3000, तो यहाँ पे अकाउंट क्या खुल जाएगा, यहाँ पे अकाउंट क्या खुल जाएगा, क्रेडिटर का अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो परचेज किए टोटल कितने की, टोटल परचेज है 3000, तो परचेज किस में जाएगी, परचेज किस में जाएगी, परचेज जाएगी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज टोटल कितनी है 3000 की, और कैश परचेज है तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डीआर टू कैश, तो बाय परचेज कैश परचेज कितने की है 800 की, और क्रेडिट परचेज कितने की है 2200, तो बाय कितनी टोटल 3000 की थी, उसमें से 800 की आपकी क्या है कैश। तो मुझे बता दो यहां तक अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो यहां तक अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो बता दो एक बार फटाफट से। हाँ ऑल सेट, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट, जैसवाल्स ड्रॉइंग 240, जैसवाल्स ड्रॉइंग है 240 रुपीज की, तो ड्रॉइंग की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग की एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू कैश, एक तो कैश में आ जाएगा, बाय ड्रॉइंग कैश अकाउंट में क्या जाएगा, दूसरी एंट्री कहाँ हो जाएगी इसकी कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के टू साइड में टू ड्राइंग कितनी 240 रुपीज की, फिर सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी पे की है तो एक तो जाएगा कैश अकाउंट में और दूसरा खर्चा तो कहा जाएगा पीएनएल में, फिर नेक्स्ट दे रखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नेक्स्ट क्या दे रखा है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 100 रुपए, तो बैड डेट्स किस में जाएगी, एक तो पीएनएल के टू साइड में खर्चा हमारे लिए कितने का 100 का, और दूसरी जाएगी डेटर्स के बाय साइड में बाय
₹100। फिर नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेंसेस हमने पे किए ₹140। तो बिजनेस एक्सपेंसेस पे करने पे एक तो आ जाएगा कैश अकाउंट के बाय बिजनेस एक्सपेंसेस कितने 140, और दूसरी एंट्री हो जाएगी पीएनएल के टू साइड में टू बिजनेस एक्सपेंसेस 140। ठीक है, पीएनएल टू साइड में क्या जाएगा टू बिजनेस एक्सपेंसेस 140। ओके, इसके बाद में स्टॉक ऑन 31st दिसंबर 2015 दे रखा 1300 का। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, क्लोजिंग स्टॉक है, इस बात का ध्यान रखना इसने बिजनेस जस्ट स्टार्ट किया तो ओपनिंग बैलेंस वैसे भी कुछ नहीं होंगी है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने का 1300 का। फिर इसके बाद में यह सुनना, आपको बैलेंस और कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 1040 और एक क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा है 720। क्लोजिंग बैलेंसेस है दोनों 31st दिसंबर को, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट में आ जाएगा 1040 और टू बैलेंस सीडी 720। उसके बाद में जयसवाल टू क्लोथ कॉस्टिंग ₹100 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज। मिस्टर जयसवाल टू क्लोथ कॉस्टिंग ₹100 फ्रॉम द शॉप फॉर प्राइवेट यूज। तो मुझे इसकी जनरल एंट्री बताओ, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी फास्ट। मिस्टर जयसवाल टू क्लोथ मर्चेंट है, तो क्लोथ अगर उसने क्लोथ पर्सनल यूज के लिए लिया है तो उसकी एंट्री क्या होगी। इसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, पर्सनल यूज के लिए गुड्स या मतलब गुड्स निकालने पे एंट्री यही होगी। तो आप लोगों के यहाँ पे एक तो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में क्या जाएगा टू ड्रॉइंग गुड्स कितने का ₹100 का। फिर और ये किसमें लेस हो जाएगा, हमने एंट्री किया कि ड्राइंग अकाउंट डीआर टू परचेज, तो ये लेस किस में से हो जाएगा परचेज में से, परचेज आ जाएगी आउटर कॉलम में लेस ड्राइंग 100 2900। ओके, इसके बाद में पेड ₹40 कैश टू हिज सन, अपने बेटे को ₹40 दिए, तो अपने बेटे को ₹40 दिए तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश, तो यहां पे आ जाएगा ₹40, यहाँ आ जाएगा ₹40। ठीक है, इन सब के बाद में अकाउंट्स बंद करो, पहले डेटर्स का अकाउंट बंद कर देते हैं। डेटर्स में बैलेंस आ रहा है बाय साइड में, तो बाय कैश बैलेंसिंग फिगर by cash balancing figure कितना 2000 minus 100 minus 1040 860
और उसी तरह से क्रिएटर्स का अकाउंट बंद कर दो, क्रिएटर्स में टू साइड में बैलेंस आ रहा है, तो टू कैश माइनस 720। ओके ठीक है। इसके बाद में इन दोनों की पोस्टिंग करो कैश अकाउंट के अंदर, टू डेटर्स कितना आया था 860 और क्रेडिटर्स से आया था 1480 बाय क्रेडिटर्स 1480। फिर कैपिटल अकाउंट बंद कर दो, टू बैलेंस सीडी सिक्सटीन ट्वेंटी और कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस का जाएगा कैपिटल अकाउंट में, सोलह सौ बीस रुपए की। फिर नेक्स्ट कैश का अकाउंट बंद कर दो, ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 560 और ये आ जाएगा बैलेंस शीट के अंदर कैश 560। फिर आपने वो बैलेंस दे रखे थे, देखो स्टॉक का बैलेंस दे रखा था डेटर्स क्रेडिटर्स, तो स्टॉक देखो स्टॉक कितना है 1300, फिर डेटर्स 1040 और सॉरी क्रेडिटर्स 720 सॉरी क्रेडिटर्स कितने हैं 720। फिर इनको बंद करो तो आपके जीपी आ जाएगा 1160 रुपए। सॉरी हाँ लास्ट लाइन थी सॉरी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 10% पर एनम। ठीक है तो देखो फर्नीचर कितने का था, हमने अकाउंट बनाया था फर्नीचर बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% 60 रुपए और बाय बैलेंस सीडी कितना जाएगा 540। तो एक तो आपके यहां पे आ जाएगा फर्नीचर 540 और टू डेप्रिसिएशन 60 और ये हो जाएगा 1100 का। ओके तो यहां पे ऐड कर दो नेट प्रॉफिट 1100 का, ये आ गया 2720। टोटल हो जाएगी 2720 प्लस 720 3440 और उधर आ जाएगा 560 प्लस 1300 प्लस 1040 प्लस 540। ऑल सेट। चैप्टर इजी है इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा सबके? यस और नो, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पहले
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ध्यान से देखना। एन इज अ स्मॉल ट्रेडर, ही मेंटेन्स नो बुक्स बट ओनली एन अकाउंट विद बैंक इन विच, सुनना, नो बुक्स अकाउंट विद बैंक इन विच ऑल द टेकिंग्स आर लॉस्ड, मतलब डिपॉजिटेड आफ्टर मीटिंग बिजनेस एक्सपेंसेस एंड पर्सनल ड्रॉइंग। ये लाइन याद रखना अच्छे से। ये बैंक में देखो, सुनना, ये क्या होता है, पैसा मनी कलेक्ट करता है, उसमें से पहले पे करता है बिजनेस एक्सपेंसेस, फिर ड्राइंग, और जो पैसा बचा वो क्या कर देता है। आई बात समझ में? ये क्या बोल रहे हैं, ऑल द टेकिंग्स मतलब जो पैसा मिलता है उसको आर लॉस्ड मतलब डिपॉजिट आफ्टर मीटिंग बिजनेस, मतलब जो भी पैसा आया उसमें से पहले बिजनेस एक्सपेंसेस और पर्सनल ड्राइंग दी, और जो पैसा बचा वो डिपॉजिट कर दिया। एंड इन विच ऑल पेमेंट फॉर बिजनेस परचेजेस आर पास्ड थ्रू, और पेमेंट सारे बिजनेस परचेजेस डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2015। ट्रेडिंग रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सब बनानी है आपको, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन हिज ट्रेडिंग रिजल्ट for the year on 31st March 2016 and balance sheet as on the date from the following information, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है, बैंक स्टेटमेंट शोज डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 12,020, ये सारी क्या डिपॉजिट, एंड विड्रॉल कितने हैं 11,850। फिर assets and liabilities on 31st March 2016 closing balances दे रखे आपको, ये सारे कौन से balance हुए, closing balance कितने कितने, stock का 1100, book debts का 1150, bank balance 320, furniture 2000 और creditors 400। तो इससे आप लोग कुछ ना कुछ अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे किसी का ओपनिंग बैलेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वो चीज आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आगे, इन द एब्सेंस ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन एस्टिमेट्स आर सप्लाइड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। तो देखो आपके पास में इंफॉर्मेशन में क्या क्या आया है, स्टॉक एंड बुक डेब्ट्स have each increased by 100 during the year, stock and book debts, मतलब ये closing balance रखा है, तो opening stock क्या रहा होगा, opening stock कितना रहा होगा। तो भाई simple सी बात है, opening stock इसने क्या बोला है, stock and book debts each have been increased by 100 rupees। तो आपके opening stock निकालना है, तो closing stock कितना दे रखा है आपको, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर दे रखा है 1100 का, इंक्रीज कितना हुआ 100 रुपए से, तो ओपनिंग कितना रहा होगा 1000 का। उसी तरह से बुक डेट्स में भी आपको क्लोजिंग कितने दे रखे हैं 1150, तो ओपनिंग कितने हो जाएंगे 1150 माइनस 100 1050। देयर वाज नो परचेज और सेल ऑफ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर की कोई सेल परचेज नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं ये, तो ओपनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स दे रखे हैं 200 रुपए के, और एक्सपेंसेस दे रखे हैं पर्सनल एक्सपेंसेस 800 और बिजनेस एक्सपेंसेस 700। तो अब आप लोगों को सारी कैलकुलेशन करनी है, आप चाहो तो अकाउंट बना सकते हो या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो सबके अकाउंट बना लो या डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो देख लेते चलो,
यहां देखना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो अब हमें वही ट्रेनिंग पेनल तो बनानी है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016, ओके डन। इसके बाद में अब जैसे जैसे नीड बनती जाए आपकी, वैसे वैसे देखो, एक तो बैंक अकाउंट बना दो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, अगर हम लोग यहाँ देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट शोज डिपॉजिट कितने की, 12,020 रुपए की, और विड्रॉल कितने हैं, 11,850 रुपए के। मतलब बैंक में आपने डिपॉजिट कितने किए हैं, डिपॉजिट किए तो टू डिपॉजिट कितने के, 12,020, और बाय विड्रॉल 11,850। फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, एक तो स्टॉक का 1,100 रुपए का, तो स्टॉक का 1,100 इसने नीचे बोला था, स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है 100 रुपीज से, तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दोनों निकल जाएंगे, तो ट्रेडिंग पेनल डाले जा सीधे ही, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,100 एंड टू ओपनिंग स्टॉक, 1,100 था, 100 रुपए की इंक्रीज हुई थी, तो 1,000 रुपए ओपनिंग स्टॉक हो गया, ओके। फिर बुक डेट्स 1,150, इनको हम लोग साथ के साथ क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनपुट करते जाते हैं, स्टॉक कितने का था, 1,100 का, बुक डेट्स कितने का है, 1,150, ठीक है। एक क्या बन जाएगी आपके ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2015, जिसमें आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस जो स्टॉक का आया था हमारे 1,000, और डेटर्स का निकाल लेते, डेटर्स अकाउंट, एसेट है टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी कितना दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा था, 1,150, और इसने बोला है कि, इसने क्या बोला है, वो 100 रुपए इंक्रीज हुआ, तो ओपनिंग बैलेंस कितना गया, 1,050, तो यह गया 1,050। फिर बैंक बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बाय बैलेंस सीडी 820, तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से, ग्यारह हजार 850 प्लस 320 माइनस 150, तो देखो क्लोजिंग बैलेंस तो जाएगा बैंक बैलेंस क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, और ओपनिंग जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर। फिर दे रखा है फर्नीचर, कोई सेल परचेज कुछ है ही नहीं है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रहा होगा, सेम फिर क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस देगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर्स का अकाउंट, तो क्रेडिटर्स के लिए क्या बोला है, ओपनिंग बैलेंस ये देखा, देखो ओपनिंग बैलेंस दिखा
ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था 200 और क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 400। अब जो मेन में जो दो तीन पॉइंट इसने दिए हैं वो सिंपली सॉल्व कर देते हैं। इसने क्या बोला, ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 800 और बिजनेस एक्सपेंसेस कितने दिए 700 रुपए, ठीक है। और चलो इसकी एंट्री मैं बैंक बुक इसमें करूं क्या, कैश बुक में करूं क्या इसकी एंट्री, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इन दोनों की एंट्री कैश बुक में होगी या नहीं होगी, जो सॉरी बैंक बुक बैंक अकाउंट जो है, इन दोनों की एंट्री बैंक अकाउंट में होगी या नहीं होगी, इन दोनों की एंट्री बैंक अकाउंट में होगी या नहीं होगी, यस और नो, स्टेटस बैलेंस लिख देता हूं जब तक। बाकी सब एंट्री होगी या नहीं होगी, अरे मैं भाइयों मैंने क्या समझाया था आप लोगों को, अभी क्या बोला था, पैसा आता है उसमें से आप लोग एक्सपेंसेस और ड्राइंग पे करते हो और जो रिमेनिंग होता है वो डिपॉजिट, तो जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है, जो ये पैसा डिपॉजिट उसमें से एक्सपेंसेस पहले लेस कर चुके हो, तो वापस यहाँ पे एंट्री क्यों करोगे, सोचो तो सही, वापस एंट्री क्यों करोगे इसकी, आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसमें उसमें से पहले एक्सपेंसेस और ड्राइंग लेस कर दी है, अगर वापस यहाँ पे आप एंट्री कुछ भी यहाँ पे एंट्री करते हो तो डबल एंट्री नहीं हो रही उसकी, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, ड्राइंग हो जाएगा कैपिटल में से लेस, कैपिटल का जो भी ओपनिंग बैलेंस आएगा उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग को, और बिजनेस एक्सपेंसेस जाएगा पीएनएल के टू साइड में, आगे सोचो पूरा ध्यान रखो एक एक बात को याद रखो। अब डेटर से पैसा कितना कलेक्ट हुआ, बाय कैश कलेक्ट कितना हुआ, तो देखो आपने बैंक में डिपॉजिट कितने किए, डिपॉजिट कितने किए 12,020 रुपए, 12,020 रुपए, उसमें से आपने क्या क्या लेस कर चुके हो, एक तो ड्राइंग के पर्सनल एक्सपेंसेस कितने 800 और बिजनेस एक्सपेंसेस कितने 700, 1500 लेस कर चुके हो, तो 12,020 प्लस 1500 तो डेटर से कितने आए होंगे 13,520, ये कलेक्ट किया, ये एक्सपेंसेस लेस किए और ये डिपॉजिट करवा दिया बचाओ, तो आपने कलेक्ट कितने किए होंगे 13,520, तो 13,520 प्लस 1150 माइनस 1050, तो ये आ गई आपके 13,620, ठीक है। और ऐसे ही आपने क्रिएटर्स को पेमेंट कितना किया है, इसने क्लियर बोला है ऑल पेमेंट फॉर बिजनेस परचेसेस, जो पेमेंट करते हो सारे बिजनेस परचेसेस के लिए, और बिजनेस परचेस के लिए कितना पेमेंट करा आपने 11,850 का, कैश पेड 11,850 प्लस 400 माइनस 200, तो बाय परचेस बैलेंसिंग फिगर 12,050, तो सेल सही 13,620 और परचेस 12,050, परचेस 12,050, ठीक है। तो यह जाएगा 2GP सोलह का बाय GP 1670 टू नेट प्रॉफिट 970, कैश का ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या करें, सो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के लिए कैपिटल, इस बैलेंस शीट को बंद करो,
कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 4170, तो ओपनिंग बैलेंस आया। ड्राइंग कितने की थी? 800। नेट प्रॉफिट कितने का था? 970 का। फोर थ्री 4-0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 4340 प्लस 400, 4740, और यहाँ आ जाएगा आपके 4570।